Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In the importance of Guru here, the importance of hearing, listening to a Guru. क्या बोलते हैं, जगन्नाथ अमार के कही बेना कथा, तुमी है अमार बंद चिन बे देर चिन चिन दी बे सर्वथा चिंदी बे सर्वथा तुमी से अमार मीन्स विल जगन्नाथ स्पीक टू मी कथा, इट इज यू हु विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय माय मटेरियल बॉन्डेज ओ गुरुदेव ओ गुरु. कृष्णा विल नॉट you know, reciprocate till we surrender to Guru. I'm telling you this today. Till you 100% surrender, Krishna will not reciprocate. Tumar e vishe se Krishna purna shakti, tumi se divare pare Krishna prema bhakti. You are fully empowered by Sri Krishna. So you are able to award one's loving divine service to Krishna. एतेके तोमार आमी लेनो आश्रय ताहार कारे ये रूपे अमार भल है. देयरफॉर आई टेक शेल्टर ऑफ यू, डू व्हाटएवर यू कंसीडर इज बेनिफिशियल टू मी फॉर मी, डू व्हाटएवर यू वांट टू बीट मी यू बीट मी, स्ट्रिक्ट बी स्ट्रिक्ट विद मी, व्हाटएवर यू वांट टू डू टू मेक मी कृष्णा कॉन्शियस यू डू इट. दैट शुड बी द डिसिपल्स यू नो प्ली टू द गुरु, मुझे कैसे भी करके आप एक अच्छा डिसाइपल बनाओ, कृष्ण भक्त बनाओ, कृष्ण कॉन्शियस बनाओ, आपको इसके लिए जो करना है करो. फिर अब जब गुरु डांटे ना तो बुरा नहीं मानना चाहिए, मुंह फुला के कैसे डांट दिया मुझे, ईगो, ऐसे लोग फॉल डाउन हो जाते हैं, कभी नहीं बन सकते, आगे बढ़ सकते. आपको अपना फॉल्स ईगो हटाना पड़ता है गुरु के पास जाने के लिए. खाली बोलना आई एम द डॉग ऑफ गुरु, आई एम द डॉग ऑफ गुरु से नहीं होता है. गुरु डांटेगा तो अरे मुझे कैसे डांट दिया मैं डिप्रेशन में, नहीं. दैट इज द मर्सी ऑफ द गुरु व्हेन ही चेस्टाइज यू बिकॉज योर फॉल्स ईगो इज टेकिंग यू अवे फ्रॉम कृष्णा. सो गुरुस चेस्टाइजमेंट इज अ मर्सी दैट यू अगेन कम बैक टू द ट्रैक. वॉट एवर रूल नाउ ये विधि करीबे मुनि ताबिके के रूपे के विधि करीबे मुनि, मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ. ताबिके के रूपे ये मात ना पदो मुनि ए संसार कुते कूपे. व्हाट रूल्स एंड रेगुलेशन शुड आई फॉलो, हाउ शुड आई लिव, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी शुड आई डू नॉट फॉल इनटू द वेल ऑफ मटेरियल लाइफ, हाउ व्हाट शुड आई डू. दिस शुड कम फ्रॉम आवर हार्ट व्हेन वी अप्रोच अ गुरु. वो गुरु मिल गया चलो अब हमारा बल्ले बल्ले मजा, और हमारे हम सबको दुनिया को दे दे, वो मेरी दीक्षा होगी, मेरा नाम मिल गया मुझे, ये हो गया मेरे, नहीं वो मिल गया उसके बाद में आपको अप्रोच करना पड़ेगा कि मेरे को क्या फॉलो करना है, और वो आपको लाइफ एंड सोल आपका होना चाहिए. बिकॉज टू डिसओबे द ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज व्हाट द थर्ड ऑफेंस, नाम अपराध. एंड इफ यू डिसओबे द ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर नाम अपराध, नाम विल नॉट एक्ट, नाम आप पे एक्ट करना बंद कर देगा, नाम नाम प्रभु कृपा देना बंद, आपकी भक्ति बंद हो गई, आगे बढ़ना स्टेगनेंट. फिर आप लाइफ लॉन्ग चैंटिंग करते रहो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कुछ नहीं इफेक्ट होगा. क्योंकि जो पोटेंसी जो थी गुरु ने डाली है स्वरूप शक्ति, गुरु के अपराध के टाइम पे वो स्वरूप शक्ति निकल जाती है. कृष्णा गुरु का अपराध एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कृष्ण अपनी स्वरूप शक्ति आप ही ले लेते हैं. फिर खाली वो मंत्र हो गया बस, खाली वर्ड साउंड हो गया बस, अल्फाबेट्स पोटेंसी ने कृष्णा ने वापस ले ली उसमें से. सो हमें व्हेन गुरु कोई ऑर्डर देता है तो हमें यू नो टेक इट एज अ लाइफ एंड सोल, डोंट थिंक भक्ति एज अ चीप समथिंग, ये हमको मिल जाएगी हम चले जाएंगे, नहीं जाओगे. प्रभुपाद ने मैं प्रभुपाद का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इफ यू डोंट नो प्रभुपाद ने बोला है टू हिज सन्यासीज ऑल हिज डिसाइपल्स ऑल ऑफ मोस्ट ऑफ यू विल फॉल डाउन. प्रभुपाद प्रिडिक्टेड मोस्ट ऑफ यू विल फॉल डाउन,
जब प्रभुपाद के सन्यासी जो थे प्रभुपाद के टाइम पे उनका फॉलोअर हो गया, तो आप और हम क्या है? वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल लाइफ, वी आर नॉट डिवोटीज। अंडरस्टैंड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साधना भक्ति एंड परफेक्ट भक्ति। साधना भक्ति मीन्स प्रैक्टिसिंग भक्ति। सो वेन यू आर प्रैक्टिसिंग, ऑब्वियसली वेन यू प्रैक्टिस यू मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बट इफ यू मेक द मिस्टेक of fighting with the coach only or not accepting the coach, then coach क्या करेगा? कल मुझे फील्ड पे दिखना नहीं, तुम आपका परमानेंटली परमानेंट खेलना ही बंद हो गया फिर। अंडरस्टैंड, जब कोच को आपने झगड़ा कर लिया है, उसकी बात नहीं मानी, तो कोच क्या करेगा? मिस्टेक तो करोगे आप भक्ति में, क्योंकि साधना भक्ति है। आप मिस्टेक होगी बार बार, आप बहुत बार आउट भी होंगे, क्रिकेट खेल एनर्जी दे रहे हैं तो आउट भी होंगे, LBW होंगे, गलत शॉट लगेगा आपका, सब कुछ है, वो तो मिस्टेक होगी प्रैक्टिस में। उसमें भक्ति में हमसे मिस्टेक होगी, हमारा फॉल्डर होगा, कभी हम जैसे प्याज लहसुन खा लेंगे, कभी हम चैंटिंग पूरी नहीं कर पाएंगे, कभी हम ऐसे ये किसी से अटैच हो जाएंगे, किसी लड़की से या किसी लड़के से अटैच हो जाएंगे, ये होगा। इसको बोलते हैं साधना भक्ति के रेपरकशंस जो होंगे। लेकिन जो गुरु हमको बचा रहा है बार 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 बार, उसी की बात करना बंद कर लेंगे, मानना बंद कर देंगे, फिर क्या होगा? फिर कृष्णा बोलेगा भैया निकलो। जैसे वहां पिच में वो जो प्लेयर है वो अपना कोच की बात ही नहीं मानेगा, क्या बोलेगा कोच? नो लॉन्गर अलाउड, ये आपका पैसा लो, पगार लो, जो भी आपने सले जो आपने भरा है, और निकलो यहां से, कल मुझे दिखना मत प्ले पे। फिर आपका प्लेइंग फील्ड ही खत्म हो जाएगा, प्ले भक्ति खत्म। एटलीस्ट हम जब तक गुरु है हमारे फॉल डाउन से हमको बचा तो रहा है, अगर हम उसकी बात मान रहे हैं तो। उसकी बात मानना बंद कर दिया, भगवान की स्वरूप शक्ति आपको भक्ति से भी नहीं बचा पाएगी, बोलेगी जान दो इसको। फिर आप अपने घर पे कितने ही क्रिकेट खेलते रहो, फिर आपने कोच से या इंस्टीट्यूट से झगड़ा कर लिया, तो आपको कौन खेलने का टाइम खेलने के लिए आपको देगा? दे नहीं देगा ही नहीं। फिर आप अपने घर के सचिन तेंदुलकर बन के रह जाओगे, राइट? उसी प्रकार है ना, जब हम हमारे जो गुरु हैं उनकी बात ही नहीं मानते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते, चार नियम का पालन नहीं करते, रीड नहीं करते, सेवा नहीं करते, साधु संग नहीं करते, साधना नहीं करते, तो फिर क्या होगा? कृष्णा बोलेगा अनइंटरेस्टेड आदमी है या डिवोटी है, कोई मतलब नहीं इनको कोई कृपा देने का, कृपा वापस ले लो। सो सभा उपदेश मोरे काहे अमायस, आमी से तुम्हारा हाय जाना सर्वतास, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी विदाउट एनी रिजर्वेशंस। मत सोचो गुरुदेव कि मुझे बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, जो आपको कठोर, गुरु का मतलब ही हैवी होता है, हैवी विद नॉलेज, कठोर, जो आपको सच बताए। गुरु कभी आपको उल्लू नहीं बनाएगा, रियल गुरु, कि भाई आप कुछ भी करो कोई बात नहीं है, अटेंड करो नहीं करो मैं आपको ले जाऊंगा, ना, क्यों ले जाएगा आपको? इफ अनक्वालिफाइड बाय एनी गुरु विल टीच यू टू गोलोक वृंदावन, कृष्णा से मार खानी गुरु को, ये कैसे गोलोक को लेके आ गए हो? सो गुरु विल टेल यू दैट यू नो इफ यू फॉलो ऑल दीज थिंग परफेक्टली ओनली देन कृष्णा विल अलाउ यू टू एंटर। तो यहाँ महाप्रभु बोल रहे हैं कि जो करना पड़े आपको गुरुदेव, जैसा इंस्ट्रक्ट करना पड़े मुझे सही लाइन पे लाने के लिए, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी विदाउट एनी रिजर्वेशंस, बिना कुछ सोचे समझे कि मुझे बुरा लगे अच्छा लगे या मेरा मूड खराब हो जाए इससे, कुछ भी नहीं। यू जस्ट इंस्ट्रक्ट मी, नो फॉर सर्टेन दैट आई एम योर सोल, आई एम अ सोल सरेंडर्ड अन टू यू, आई एम योर कंप्लीटली सरेंडर दास स्लेव, आई एम योर स्लेव, लाइक दैट शुड बी द मूड ऑफ अ डिसाइपल, आई एम योर स्लेव, आई एम योर डॉग, व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू विद मी। आपको मुझे डांटना है, मुझे पनिशमेंट देना है, मुझे जो करना है मेरे मिस्टेक पे वो करो, या मुझे आपको प्यार करना है जो करना है, यू डू एनीथिंग, जस्ट टेक मी आउट ऑफ दिस मटेरियल मिजरी, बस मुझे भाव संसार से बाहर निकालो और मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ, या करने को तैयार हूँ जो मुझे यहाँ से निकालेगे निकल पाऊंगा। दैट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ अ डिसिपल, देन यू आर क्वालिफाइड टू एक्सेप्ट अ गुरु, अदरवाइज डोंट एक्सेप्ट अ गुरु। Otherwise, don't take to spiritual life only, because you will make दूसरे के लिए भी आप problem करोगे, खुद के लिए भी करोगे। So here, said,
The first manifestation described is just in the first chapter of CC begins with 14 Sanskrit verses that describe the absolute truth. Then the next three Sanskrit verses describe the principal deities of Vrindavan, namely Sri Radha Madan Mohan, Sri Radha Govindevji, and Sri Radha Gopinath. The first of the 14 verses is the symbolic representation of the supreme truth. And the entire first chapter is in actuality devoted to this single verse, which describes Lord Chaitanya in six different tenets dimensions. The first manifestation described is the spiritual master, who appears in two planetary parts. The spiritual master appears in two planetary parts. What are the two parts? Anyone can tell? What are the two parts? The first manifestation described is the spiritual master, who appears in two planetary parts called the Diksha Guru and Siksha Guru. Very good. Called the initiating spiritual master and the instructing spiritual master. They are identical because both of them are phenomenal manifestation of the supreme truth. So, just like, you know, an expert electrician, ka jo assistant hota hai, under, jab tak wo jo electrician jaise bol raha hai, waise kar raha hai, tab tak wo bhi assistant bhi expert hai. उसी प्रकार शिक्षा गुरु वही होते हैं जो शिक्षा गुरु ने दिया है प्रोपाइल दिया है वो एज इट इज आपको बता जब तक वो बता रहे हैं वो एग्जैक्ट एज इट इज तब तक बोथ आर शुड बी कंसीडर्ड सेम देयर नो डिफरेंस नो डुअलिटी इन दिस टिल हाँ अगर कोई अपने मन से कुछ अलग बताए जैसे प्रोपाद ने बोला नहीं है कोई और शिक्षा गुरु बन जाए लेकिन इस्कॉन के शिक्षा गुरु बताते हैं कि कोई भी शिक्षा गुरु बन सकता है तो वो प्रोपाद से अलग चले गए तो देन दे लूज द पोटेंसी देन दे आर नो लॉन्गर द शिक्षा गुरु जब तक शिक्षा गुरु वही चीज बता रहा है जो प्रोपाद या आचार्य ने अपने किताब में दी है टिल दैट टाइम ही इज कंसिडर्ड एज गुड एज द दीक्षा गुरु बिकॉज ही विल टेक ही विल लिंक यू टू द दीक्षा गुरु ही विल टेक ही विल हेल्प यू टू गो बैक होम बैक टू गॉड इट सो यू नो लाइक प्रोपाद इन वन कॉन्वर्सेशन ही टोल्ड यू नो हाउ कैन वन समवन आस्क्ड हाउ कैन वी एसोसिएट विद a Christian asked, how can we associate with Jesus Christ? He is not present. Prabhupada said, you can do it by reading Bhagavad Gita, by reading Bible, and by understanding Bible from the priest or the Pope, Prabhupada said. So they are who? They are Siksha Gurus. And Jesus is a Diksha Guru. So as long as, you know, Jesus is not present right now, Prabhupada gave this example, that Jesus is still present, and you can still associate with Jesus Christ by following the Bible, taught by the priest, the Siksha Guru. So all the Ritviks, everyone, they are all Siksha Gurus. We all are Siksha Gurus. So till as long until we are representing Prabhupada as it is, you know, not going. So if you follow, then you will also get perfect. But agar aapko lage ki koi, you know, Siksha Guru ya koi jo Prabhupada ne bataya hai, wo nahi bata raha hai, wo follow nahi kar raha hai, wo deviate kar raha hai. Then you can reject. Then you can reject that Siksha Guru and accept another Siksha Guru who is following Srila Prabhupada. Because our benchmark is Prabhupada's books are the law books for the next 10,000 years. So we have to see everything as per those books, as the Prabhupada's instructions. Like the DT worship Prabhupada gave us, you know, where Prabhupada told first worship the Guru and then worship Krishna. But now it has been changed. To first worship Krishna and then give the prasad to Guru, in all the temples, you know it has been changed, right? In all temple, you first they worship Krishna and then they give it, you know. Agar aap dekhte honge, to you know they give it to they you know to, later to the Guru. But Srila Prabhupada ne kya bataya? Ye pehle Guru ko worship karna hai, fir aapko Krishna ko worship karna hai, right? So DT worship ka process change ho gaya. बुक्स एडिट हो गई बुक्स चेंज हो गई बुक्स को ही चेंज कर दिया डिवाइस चेंज कर दिया दीक्षा का प्रोसेस चेंज कर दिया तो वो ये सब क्या इंडिकेट करता है कि द शिक्षा गुरुज विच आर देयर सम ऑफ देम बिकेम दीक्षा गुरुज अगेंस्ट श्रील प्रभुपाद ऑर्डर एंड जो शिक्षा गुरु रह गए हैं वो भी वो सिस्टम को फॉरवर्ड कर रहे हैं जो ऑथराइज प्रभुपाद ने नहीं किया सो बाय दिस You know, the complete potencies, potential
ऑफ दो शिक्षा गुरु अच्छा होगा, लेक्चर उनका अच्छा सुनने को मिलता है, बहुत अच्छा बोलते हैं, भक्तू सही है, डांस भी अच्छा कर लेते हैं, हाथ ऊपर करके चेतन महाप्रभु जैसे डांस भी कर लेते हैं कोई लोग, तो दीक्षा गुरु बने हुए हैं वो महाप्रभु जैसे हाथ ऊपर करके वैसे डांस भी कर लेते हैं, हमको लगता है अरे तो वैसे डांस कर रहे हैं। कुछ कुछ लोग कॉमेडी भी अच्छे कर लेते हैं, कुछ लोग रिव्यूज भी अच्छा दे देते हैं, मूवीज का भी रिव्यूज दे देते हैं, वो तो ऐसे भी हैं, बहुत पॉपुलर हैं, बट क्या फॉलो कर रहे हैं वो एक डिफरेंट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जो प्रभुपाद ने ऑथराइज नहीं किया, तो दे कैन नॉट एक्ट एज, दे आर नो लॉन्गर इन कनेक्टेड विद द परंपरा, कट गए हैं वो, उनका इलेक्ट्रिसिटी कट चुकी है। Whoever, you know. So this is Guru Tattva. Very clear. Who is a Guru? Guru is a Nitya Siddha devotee from Golok Vrindavan. How to who should approach a Guru? Only a disciplined disciple. How to approach a Guru? The whole mood with a straw in your hand and oh please instruct me as you want. मुझे hunter से मारो या कुछ भी करो. Please instruct me. Take me out of the material world. ये Guru Tattva है. Guru should be a liberated person. Nitya Siddha devotee and a Siksha Guru who is giving you siksha should not deviate even an inch from the original teachings of the Diksha Guru, the Mantra Guru. And Srila Prabhupada will be the Mantra Guru for next 10,000 years because his mantras are available in sound. Okay, so these are things which we covered today in Chaitanya Charitamrita. Iske note le sakte ho. Now we'll come to Srimad Bhagavatam. Okay, so kya time hua hai? Same bhaktim iham हम भूता गुना हरिम, हु इज आत्माराम, आत्माराम क्या है, ऑल डिफरेंट वैरायटीज ऑफ आत्माराम, बहुत वैरायटीज है आत्माराम की, जो आर लिबरेटेड पीपल, दोज हु टेक प्लेजर इन द आत्मा और सेल्फ, स्पेशली दोज हु वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ऑल्दो फ्रीड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल बॉन्डेज एंड डिजायर टू रेंडर, दे वॉन्ट टू रेंडर डिवोशन सर्विस टू द लॉर्ड, दिस मीन द लॉर्ड पोजेसेस ट्रांसेंडेंट क्वालिटीज, देयरफॉर कैन अट्रैक्ट everyone included liberated souls. So bahut se log atmaram jo liberated souls hai, they become attracted to krishna's naam gun roop leela, krishna's katha by four char prakar, char way mein, kaun se char way hain, shastra padhne se, krishna ke bare mein padhne se, krishna book padhne se ya bhagavat padhne se, krishna ki leelaye padhne se, shastra padhne se wo krishna se attract ho jate hain atmaram. Second hai krishna ki leela, रसिक डिवोटी जो कृष्णा की लीला, राजानों का डिवोटी जो कृष्णा की लीला सुनाते हैं, वो जो लीला बेसिकली पर्टेनिंग टू माधुरी एंड साक्ष्य एंड वात्सल्य रस वो सुनाते हैं, वो सुनने से उनको कृष्णा के प्रति लव उमड़ आता है, वो लोग वो भी आत्माराम आते हैं. तीसरे हैं गुरु कृपा, कोई प्योर डिवोटी के आगे, जैसे चार कुमार नारद मुनि के संपर्क में आए, चार कुमार इम्पर्सनलिस्ट थे, आत्माराम थे लेकिन इम्पर्सनलिस्ट निराकारवादी थे, लेकिन लेकिन नारद मुनि के एसोसिएशन में आके दे बिकेम पर्सनलिस्ट, दे बिकेम डिवोटीज, सो प्योर डिवोटी के. एंड द फोर्थ इज डीटी दर्शन से, भगवान के दर्शन से आप भक्ति में आ सकते हो. ये चार प्रकार के आत्माराम लोग जो भक्ति में आते हैं, ये चार वे से मतलब आप कोई भी लिमिटेड पर्सन भक्ति में आ सकता है. लेकिन भक्ति में आने के बाद में क्या सब भक्ति एक प्रकार की होती है? क्या सब भक्ति एक प्रकार की होती है? That gives a very important paragraph in this Atmaram verse. Unalloyed devotional service of the Lord progresses in different stages. Practice of devotional service in the material is of 81 different qualities. Bhakti material field mein, jab tak aap nishtha aasakti tak nahi pahunche ho, jab tak aap shraddha, sadhu sang, bhajan kriya, anartha nivritti mein ho, to aap kis prakar ki bhakti kar rahe ho? Aap shuddh bhakti nahi kar rahe ho, wo to given hai. बट किस प्रकार की भक्ति कर रहे हो? वो 81 टाइप्स की है, 81 टाइप्स की भक्ति है. तो आज हम वो देखेंगे कि वो 81 टाइप्स की भक्ति क्या है. वो हम सब कर रहे हैं, आप लोग में सब लोग कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हम कि नहीं करें, हम कैसे करें, तो वो दैट डिटेल में हम देखेंगे. ओके, 81 टाइप्स ऑफ भक्ति. तो व्हाट आर द 81 टाइप्स ऑफ भक्ति? इसमें से 9 प्रमुख है, 9 आर द मेन, एंड 9 को इनटू 9
नवदा भक्ति, हर भक्ति नवदा इंटू नाइन। श्रवण भी उस प्रकार का हो सकता है, कीर्तन भी उस प्रकार का हो सकता है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवनम। तो नाइन इंटू नाइन कितना होता है? 81। हाँ, तो इस प्रकार 81 टाइप्स। तो क्या है वो मेन नौ? वो मेन नौ क्या है वो हम देखेंगे, प्रभुपाद बताते हैं उसको बहुत विस्तार में। लॉर्ड कपिला इसमें डिवोशनल सर्विस श्रीमद् भागवतम, तो हम आगे भी आएंगे तो डिस्कस भी करेंगे, लेकिन यू नो जस्ट बिकॉज यहाँ पे रेफरेंस है तो आई एम गिविंग यू। डिवोशनल सर्विस एग्जीक्यूटेड बाय अ पर्सन हु इज एनवियस, हु इज प्राउड। लिख लो, यू कैन नोट डाउन ऑल दीज थिंग बिकॉज दीज थिंग विल हेल्प यू दैट आप कौन से भक्ति में हो अभी। शुद्ध भक्ति के, शुद्ध भक्ति में तो नहीं हो लेकिन मटेरियल भक्ति में भी कौन से स्टेज के भक्ति में हो, कम टू नो। ओके, सो डिवोशनल सर्विस एग्जीक्यूटेड बाय अ पर्सन हु इज एनवियस प्राउड वॉयलेंट एंग्री एंड हु इज अ सेपरेटिस्ट इज कंसिडर्ड टू बी मोड ऑफ इग्नोरेंस डार्कनेस। सेपरेटिस्ट अलग रहना पसंद है, ग्रुप में भी ना किसी से बात करना पसंद नहीं, अलग रहना या अपना ही कुछ नया चीज कर लेना, साथ में होके भी अपने ही अलग करते रहना, सेपरेटिस्ट होता है वो भक्ति इग्नोरेंस में है। तो आप उस कैटेगरी में हो, मैं तो बोलता हूं कि हमारे ग्रुप में 10-12 लोग एक्टिव है, साधु संघ का मतलब है टेक पार्ट इन द ग्रुप एक्टिविटीज, बट वो अपने ही इसमें मग्न है, सेपरेटिस्ट हो ये है। हाँ, ये सब तो वो इस कैटेगरी में आते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस वाली भक्ति है वो, क्योंकि जब साधु, जब ग्रुप होता है, साधु संघ होता है, तो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट संगा। बींग इन द संगा, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, दैट मीन यू आर डूइंग भक्ति सेपरेटिस्ट, अलग होके। मैं बाकी के लोग तो क्या बकवास करते हैं, मेरे को इनसे कोई मलिन देन नहीं है, मैं तो बहुत महान हूं, मैं तो केवल पढ़ के यू नो ये हो जाऊंगा, नहीं वो सेपरेटिस्ट हो जाएगा। टिल यू उत्तम अधिकारी स्टेज पे हो तो यू कैन बी अ सेपरेटिस्ट, आप कहीं भी रहो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन न्योफाइ स्टेज में, नेक्स्ट स्टेज में साधु संघ जो होता है उससे हमें एक दूसरे को पावर मिलता है करने का। वो पावर नहीं मिलेगा भक्ति करने का तो हमारी भक्ति वीक हो जाएगी और हमें अहंकार आ जाएगा, अहंकार। तो हम अपने आप अकेले नॉलेज ले रहे हैं ना, कुछ ग्रुप में इंटरेक्ट नहीं, खाली ग्रुप में है ठीक है, सेवा कर दिया लेकिन हम इंटरेक्ट नहीं, तो वो जो होगा वो तो हजम नहीं कर पाते हम नॉलेज साधु संघ में नहीं हो तो वो हमें अहंकारी बना देगी। अरे देखो मेरे पास इतनी नॉलेज है, मुझे इतना कुछ पता है, ट्रैप। वो उसको बोलते हैं भक्ति इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। और क्या था इसमें? एनवियस, वो मुझसे ज्यादा कैसे कर रही है। हाउ ही इज बेटर, वाई, हाउ, प्रभु जी की फेवरेट कैसे है वो, या प्रभु जी का फेवरेट कैसे है वो, एनवी, मोड ऑफ इग्नोरेंस की भक्ति। या प्रभु जी ने उसके बारे में बोला, मेरे बारे में क्यों नहीं बोला, एनवी भक्ति, इग्नोरेंस की भक्ति है। प्राउड, अहंकार, अरे मुझे सब पता है, मैं तो यू नो आई एम टॉप इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक ब्रिटिश इंग्लिश, दीज ऑल वर्नाक्यूलर्स, यू नो छोटे लो, यू नो आई एम द फोरमोस्ट, अहंकारी, या नॉलेज, अपना ज्ञान, ओ मुझे इतना ज्ञान है, व्हाट यू नो, आई एम बीन हियर फॉर 1 ईयर, आई नो एवरीथिंग, ओ आई एम द हेड, प्राउड हो गए उससे ना, मुझे प्रभु जी ने बनाया है कोऑर्डिनेटर सबको, अब सब मेरे अंडर है, बस अब मेरी बात सुनो, जो मैं बोलूं वो फॉलो करो, मेरी चमचागिरी में हो गया तो मैं प्रभु जी को बताऊंगी अच्छा डिवोटी, ये सब, ये कैटेगरी, ये सब होता है, सटली होता है, ग्रॉसली नहीं होगा, ये सटली होगा कि जो मेरी बात मानेगा मैं उसको प्रमोट करूं, मेरी बात नहीं मानेगा उसको प्रमोट ना करूं,
ये सब यू नो भक्ति, वॉयलेंट जो झगड़ा होता है ना, झगड़ा वॉयलेंट है ना, तू तू मैं करते हैं, ये भक्ति इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस है। टॉम एंड जेरी फाइट जो होती है, मोटिव फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, द मोटिव फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, कि भगवान की वर्शिप कर रहा हूं मैं, शादी ना मेरी इस लड़की से शादी हो जाए भगवान, थोड़ा एंजॉय है ना, आई लाइक हर, आई यू नो आई वॉन्ट टू मैरी दिस गर्ल, सो रोज घंटी अगरबत्ती माइंड में है कि बस भगवान यू नो उस लड़के से मेरी हो जाए, या उस लड़की से मेरी हो जाए, या भगवान मुझे पैसा मिल जाए तो मैं अपने लाइफ थोड़ी यू नो अच्छी थोड़ी कंफर्टेबल कर लूँ, वो बेटर वो है यू नो। सो ये सब एंजॉयमेंट की जो टेंडेंसीज हैं भक्ति में करते हैं, नेम फेम मिल जाए मुझे भगवान, थोड़ा मैं पॉपुलर हो जाऊँ, फेमस हो जाऊँ मैं, फेम एंजॉयमेंट एंड ऑपुलेंस। आपने देखा होगा वृंदावन में आते हैं लोग सिल्क का कुर्ता पहन के, डिवोटीज एंड सिल्क की धोती एंड माताजीज एक्सपेंसिव टोपी ड्रेस साड़ीज पहन के, और यू नो ऑपुलेंस दिखाने के लिए अपना आएंगे, और उनके गले में माला होगी यू नो, मेरा एकदम दिखाते हुए ऑपुलेंस अपना। सो दैट इज भक्ति इन द मोड ऑफ पैशन, या यू नो हम कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, पॉपुलर बनने के लिए, यू नो हमारा ब्रांड बैंड है हमारा, बैंड पॉपुलर होना, ऑपुलेंस आना, पैसा कमाना उससे, ये सब भक्ति इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, सॉरी पैशन, भक्ति इन द मोड ऑफ पैशन। अर्निंग मनी थ्रू कीर्तन, अर्निंग मनी थ्रू यू नो लेक्चर, अर्निंग मनी थ्रू यू नो एनीथिंग लाइक यू नो एज अ इंस्टीट्यूट यू कैन डू, इंस्टीट्यूट में आ रहा है प्रॉपर अलाउड दैट आचार्य अलाउ, पर्सनल आदमी के पास में वो कमा रहा है, हो रहा है यू नो दैट इज मोड ऑफ पैशन, भक्ति इन द मोड ऑफ पैशन। अंडरस्टैंड, जैसे इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, इनके सबके पर्सनल चैनल्स होते हैं, पैसे कमाते हैं वो, खुद के जेब में जा रहे हैं पैसे, दैट बिकम भक्ति इन द मोड ऑफ पैशन, ऑपुलेंस कमा रहे हैं उससे, ऑपुलेंस आ रहा है उनके पास, मनी इज ऑपुलेंस, लक्ष्मी इज ऑपुलेंस, वो आ रहा है। तो मोड इस्कॉन का हो सकता है यूट्यूब चैनल, तो इस्कॉन में आज संस्था है तो वो कर रहे हैं, तो वैसा आ रहा है तो वो सेवा में लगा रहे हैं ना, वो अपने पर्सनल इस्कॉन डिवोटीज को नहीं मिल रहा है वो अंदर, सो दैट इज भक्ति। बट इंडिविजुअली इफ यू डू दैट स्टार्ट डूइंग, अरे मेरे पास में पैसा कैसे कमाओ, कैसे है ना, वो कीर्तन यूज करके या सिंगिंग यूज करके या यू नो आप रील्स बना के या यू नो अपना मोटिवेशनल करके, ये सब वो भक्ति इन द मोड ऑफ पैशन हो जाएगा, ठीक है। सो ऑपुलेंस, फेम एंड एंजॉयमेंट, देन व्हेन अ डिवोटी वर्शिप द लॉर्ड एंड ऑफर्स रिजल्ट ऑफ हिज एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम दिस चक्र ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज, His devotional service is in the mode of goodness. So, जो you know भगवान को अपना फल भी दे देते हैं, all the so वो भी भक्ति, जैसे you know हम पैसे देते हैं, भक्ति goodness में है, pure भक्ति नहीं है। Pure भक्ति तो आप chanting भी करोगे, surrender करोगे, अन्य शून्य, फिर अपना सब कुछ दे दोगे, वो pure भक्ति है। लेकिन आप चाहो you know like वो यू नो प्रभु जी मैं आपको डोनेशन दे दूंगा महीने के महीने, बट यू नो आई वोंट बी एबल टू अटेंड द सेशंस, आई वोंट बी एबल टू डू सेवा, ओके यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम, बट दैट भक्ति विल नॉट बी प्योर भक्ति, इट विल बी भक्ति इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो हमें इससे भी ऊपर आना है प्योर भक्ति में आने के लिए, ठीक है। सो दीज आर द थ्री कैटेगरीज ऑफ भक्ति विच वी यू नो विच इज देयर। नाउ इसको और फर्दर कैटेगराइज किया गया है, कैसे कैटेगराइज किया गया है, अधम तमस भक्ति, मध्यम तमस भक्ति, उत्तम तमस भक्ति, ओके ये तामसिक भक्ति में, फिर अधम रजस भक्ति, मध्यम रजस भक्ति एंड उत्तम रजस भक्ति, फिर अधम सात्विक भक्ति, मध्यम सात्विक भक्ति एंड उत्तम सात्विक भक्ति। सो ये है 9 कैटेगरीज ऑफ मटेरियल डिवोशनल सर्विस, और ये हर एक को आप 9
नवदा भक्ति में कर सकते हो, आप चैंटिंग भी आदम तमस भक्ति में कर सकते हो या मध्यम तमस भक्ति में कर सकते हो या उत्तम तमस भक्ति में कर सकते हो। आप चैंट क्या श्रवण कीर्तन, कीर्तन भी अधम तमस भक्ति, मध्यम तमस भक्ति, उत्तम तमस भक्ति, अधम तमस भक्ति, इन नौ में कर सकते हो। श्रवण कीर्तन स्मरण, स्मरण भी कर सकते हो आप। आद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, सब कुछ आप इन नौ कैटेगरी में कर सकते हो। वो सारी कुछ मटेरियल भक्ति कहलाएगी। सो अधम तमस भक्ति क्या है? लो लेवल डिवोशन सर्विस, लोएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन सर्विस इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, इसको अधम तमस भक्ति बोलते हैं। जो यू नो हम एंगर में या वॉयलेंटली करते हैं भक्ति, वो इस कैटेगरी में आती है। देन मध्यम तमस भक्ति, इंटरमीडिएट डिवोशन सर्विस इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, ये एनवी, एनवी ओके जब करते हैं तो ये आती है मध्यम तमस भक्ति। और जो प्राउड है, प्राउड फील होके भक्ति अहंकार में करते हैं, वो आती है उत्तम तमस भक्ति। तमस भक्ति है लेकिन वो थोड़ी बेटर क्वालिटी की है। आपने कुछ काम किया है तो आप उसको उसमें आप प्राउड हो, ये तो उत्तम तमस भक्ति में आता है। देन अधम रजसी का भक्ति, रजसी का भक्ति, उसमें क्या आता है? द लोएस्ट लेवल डिवोशन सर्विस इन मोड ऑफ पैशन, एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट के लिए आप भक्ति कर रहे हो। अरे मुझे तो यू नो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, यू नो मुझे तो यू नो स्वर्ग लोक मिलेगा, मुझे तो नर्ग लोक, यू नो क्या स्वर्ग में जाके यू नो अफसराओं के साथ में डांस, यू नो अगर ये कारण भक्ति कर रहे हो तो ये है लोएस्ट लेवल ऑफ भक्ति। देन फेम के लिए भक्ति कर रहे हो, फेम के लिए, तो मध्यम रजसिक भक्ति जिसमें आपका नेम फेम बढ़ रहा है। और फिर ऑपुलेंस पैसे इसके लिए कर रहे हो तो ठीक है उत्तम है, लेकिन वो रसिक भक्ति है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। तो नाउ यू कैन सी यू नो व्हाट कैटेगरी यू आर इन, व्हाट कॉन्शियसनेस भक्ति यू आर डूइंग, एंड देन यू कैन यू नो इम्प्रूव योर सेल्फ। और यही सब चीज हम चैंटिंग के टाइम, चैंटिंग श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ से बनम हर नौ में कैटेगरी में हम कर सकते हैं। जैसे हम चैंटिंग ये सोच के कर सकते हैं कि अरे मेरे पास बहुत नेम फेम आए, चैंटिंग हम ये सोच के कर सकते हैं कि मेरे पास बहुत ऑपुलेंस आए, चैंटिंग हम ये सोच के कर सकते हैं कि मेरे पास बहुत यू नो लग्जरी या यू नो व्हाट इज यू नो एंजॉयमेंट आए। वो कीर्तन सुन रहे हैं भगवान का, वो टाइम में यू नो हम सुन रहे हैं यू नो ये बताने के लिए कि देखो हम कितना अच्छा सुनते हैं, ये भी होता है। हमेशा अटेंडेंस दे रहे हो, वेरी गुड। क्या वो अटेंडेंस आप अपने प्योरिफिकेशन दे रहे हो या ये बताने के लिए प्रभु जी को देखो मैं कितनी अच्छी डिवोटी हूं? अभी सोचा है भक्ति कितनी सटल होती है? मैंने सारे लेक्चर अटेंड किए प्रभु जी के अभी तक, क्या वो लेक्चर से आपने अटेंड किए हैं आपकी प्योरिफिकेशन के लिए, कि प्रभु जी को ये बताने के लिए कि प्रभु जी के गुड बुक्स में रहो, इम्प्रेस कर पाओ कि देखो प्रभु जी आई वाज ऑलवेज प्रेजेंट? ये है पैशनेट भक्ति। इसलिए लोग, कुछ लोग हैं यू नो दिल हमेशा रहेंगे लेकिन उनमें एडवांसमेंट नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि वो होते हैं खाली इम्प्रेस करने के लिए कि प्रभु जी देखो मैं यहाँ पे हूँ, मैं देखो आई एम ऑलवेज देयर, मैं फर्स्ट आ गई आपके लेक्चर में, मैं लास्ट तक हूं। तो प्रभु जी भी अरे वाह यू नो ये डिवोटी तो जो शास्त्र जानता है, डिवोटीज पढ़ा है, उनको पता है कि यू नो उस इंसान के अंदर जो 6 महीने से या 1 साल से हर लेक्चर अटेंड कर रहा है उसमें उसके कॉन्शियसनेस में कुछ चेंज आया क्या? अगर नहीं आया है कॉन्शियसनेस में चेंज, तो शिक्षा गुरु को पता है कि वो केवल अटेंडेंस मेरे गुड बुक्स में रहने के लिए अटेंडेंस दे रहा है,
उसको कोई मतलब नहीं है ज्ञान से. यू कैन चीट अ गुरु, यू कैन चीट अ शिक्षा गुरु, यू कैन चीट योरसेल्फ, यू कैन चीट नियोफाइट्स. अपने दोस्तों को चीट कर सकते हो. अरे माता जी, आप तो हर सेशन में आ जाते हो, फर्स्ट हो और लास्ट तक रहते हो, आप तो इतने एडवांस डिवोटी हो. एडवांस डिवोटी हो क्यों आते हैं मुझसे पूछो? वो इसलिए आते हैं मेरे गुड मूड में रहने के लिए, क्योंकि उनके लाइफ में मुझे कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है. जो इंसान इतना श्रवण कर रहा है 6 महीना 1 साल से, तो उनके लाइफ में कुछ तो चेंज आना चाहिए ना. अगर श्रवण कर रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है? या तो वो लेक्चर दिखाने के लिए ऑन करके चले जाते हैं, खुद अपने काम कर रहे हैं, सुन नहीं रहे प्रभु जी के गुरु में रहने के लिए, और सुन रहे हैं तो भी चेंज नहीं आ रहा. मतलब उनका जो हार्ट है, हार्ट में जो कॉन्शियसनेस है उनकी, वो है प्रभु जी को इम्प्रेस करने की, गुड बुक्स में रहने की. तो इसलिए उनके हार्ट में कुछ चेंज नहीं आ रहा है. नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ सटल इज भक्ति. भक्ति इज नॉट जस्ट यू नो ग्रॉस कि हम इतना सेवा करें. सेवा की कॉन्शियसनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सेवा कर रहे हैं हम किस लिए सेवा कर रहे हैं? प्रभु जी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं, या वाक्य में हमारे प्योरिफिकेशन कर रहे हैं? हमने लिखा आर्टिकल्स किस लिए लिखे हमने? सेवा साधना. लोगों ने आधे लोग, कितने लोगों ने लिखे भी नहीं है अभी तक, वो तो टोटली गॉन केस गॉनर है. मोड ऑफ इग्नोरेंस की भक्ति है उनकी, तो लेजी, लिखा ही नहीं है ना उनने. वो तो क्लियर दिख रहा है कि उनकी तामसिक भक्ति है. भक्ति कर रहे हैं वो भी लोएस्ट लेवल की भक्ति, तामसिक में भी लोएस्ट लेवल की भक्ति, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल लिखा ही नहीं बोलने के बाद में. गुरु का बात नहीं है. और जिन्होंने लिखी भी है आर्टिकल सेवा साधा साधु साधना सेवा साधु संघ पे, उन्होंने फ्लावरी लैंग्वेज ऐसा लिया है कि इम्प्रेस करने के लिए प्रभु जी, गुड बुक में रहने के लिए, कि रियलिटी में उन्होंने समझा है, उसने लिखा है, ये पता चल जाता है. मुझे तो पता चल जाएगा कि मैं सब लोग को देख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को अपना देखना है कि आप लोगों ने किस कॉन्शियसनेस में लिखा है वो. ऐसा कभी समझो, हाँ ऐसा ही होता है. सेवा में, साधना में, साधु संघ में इसलिए कर रहे हैं, किस कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं हम? क्या हम फेमस होने के लिए कर रहे हैं? क्या हम मटेरियल ऑपुलेंस के लिए कर रहे हैं? क्या हम यू नो दूसरे से एनवी होके कर रहे हैं कि वो मेरे से पहले ना भेज दे सेवा, उससे पहले मैं सेवा करूंगी? एनवी, ये बहुत सी सटल चीजें हैं, ये हमें समझनी पड़ती है भक्ति में. इसलिए बोलते हैं कंटेम्पलेशन बहुत जरूरी है. यू हैव टू कंटेम्पलेट. हर बंदा 20 दिन में जाके इंट्रोस्पेक्ट करो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि मैं सेवा, मैं साधना साधु संघ में, चैंटिंग श्रवण हियरिंग स्मरण रिमेम्बरिंग, ओ प्रभु जी मैंने आज अच्छा स्मरण किया मेरे गुड बुक्स में रहने के लिए, रेले में किया हर जी, यू नो डीटी वर्शिप में भी, यू नो किस लिए कर रहे हो आप? पैसे के लिए, ऑपुलेंस के लिए, कि अपने प्योरिफिकेशन के लिए? भगवान को बोलो भगवान लिफ्ट करा, थोड़ा लिफ्ट करा दे, थोड़ा अच्छा बना दे, इसके लिए कर रहे हो? तो श्रवण कितना स्मरण पाद सेवनम, सेवा किस लिए कैसे कर रहे हो आप? अर्चनम डीटी वर्शिप कैसे कर रहे हो? वंदनम भगवान को प्रेयर्स आप ऑफर करते हो, किस कॉन्शियस में कर रहे हो? कि भगवान यू नो प्लीज बोलते रहो, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, फिर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेशा गोपिका राधा का नमस्ते, हाँ हे कृष्णा. लेकिन आपके माइंड में क्या चल रहा है प्रेयर्स के टाइम में? कृष्णा थोड़ा सा बैंक बैलेंस बढ़वा दे, थोड़ा सा नौकरी दिलवा दे, थोड़ा सा पैसा बढ़ा दे, थोड़ा सा जॉब अच्छा दिलवा दे, थोड़ा सा एग्जाम में पास करवा दे, थोड़ा सा घर दिलवा दे, थोड़ा सा गाड़ी दिलवा दे, थोड़ा सा ये करवा दे, थोड़ा सा अपीयरेंस मटेरियल अपीयरेंस के लिए, या इसलिए वंदनम कर रहे हो चैंटिंग के नो आई हेट दैट डिवोटी नो भगवान उसको गलती से ना कुछ भी हो जाए ना उसको यहाँ से निकाल दे, या झगड़ा हो गया वो भगवान उसको तुम यू नो मेक लेट हिम डाई मेक हिम कुछ एक्सीडेंट हो जाए उसका मर जाए वो. भक्ति इन द वॉयलेंट भक्ति बोलते हैं इसको, मोड ऑफ इग्नोरेंस की भक्ति. तो मैं थॉट भी वॉयलेंट हो तो आपकी भक्ति वॉयलेंट होती है, ये कॉन्शियसनेस से भक्ति है. खाली आपको एक्ट नहीं करना पड़ेगा वॉयलेंट वॉयलेंट भक्ति होने के लिए. थॉट भी आपका वॉयलेंट हुआ तो किसी डिवोटी के प्रति किसी के प्रति कि भगवान यू नो वो यू नो अच्छा डिवोटी नहीं है वो मैं मुझे पसंद नहीं है वो मर जाए, वॉयलेंट भक्ति, भक्ति इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस.
देन हमारा कुछ भी फल स्किल्स या ऐसा देना भगवान को, भक्ति इन द मोड ऑफ गुडनेस। सो इस प्रकार की डिफरेंट भक्ति। तो ये बता रहे भगवान इधर कि आत्माराम जब होते हैं तो जब भक्ति में आते हैं तो सब ये स्टेज से फिक्स करते हैं। तो लेकिन उत्तम भक्ति क्या है, टॉप मोस्ट भक्ति, हमें क्या कौन सी भक्ति है जो हमें फॉलो करनी चाहिए, वो है 82nd नंबर जो आता है, और इसमें 10th नंबर है उत्तमा उत्तम भक्ति, टॉप मोस्ट डिवोशन है, डिवॉइड ऑफ मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर। वो है उत्तम भक्ति, जहां पे कोई ज्ञान, कोई कर्म, कोई भुक्ति मुक्ति सिद्धि कुछ नहीं, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरी कविता, कुछ भी नहीं, केवल भगवान की सेवा, केवल कॉन्शियस हमारा ये है कि भगवान का प्लेजर और हमारा प्योरिफिकेशन, किसी को नहीं। तो उसी जो वो भक्ति कर रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता है फिर कि कितने लोग उनके वीडियोस देख रहे हैं, या कितने लोग कीर्तन सुन रहे हैं, या उनको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी भक्ति खुद की प्योरिफिकेशन के लिए है। इधर श्रील प्रभुपाद जीरो जब अमेरिका गए तो एक दो लोग थे तो उनको भी लेक्चर देते थे, कीर्तन सुनाते थे, फर्क नहीं पड़ता जो उत्तम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जो उत्तम भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको सबसे फर्क फर्क पड़ता है। उत्तम भक्ति है ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरी कविता में दे काम है। तो मैं डिटेल बताया है इसमें। ओ किंग, द डिवोशन सर्विस टुवर्ड्स द लॉर्ड ऑफ श्री लक्ष्मी इज परफॉर्म फॉर रेवरेंसफुल डिस्ट्रॉइंग समवन इज नोन एज अधर्म तामसिक भक्ति, लो लेवल डिवोशन सर्विस इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। ओ वन, यू कैन नोट डाउन एवरी वन ऑल दीज थिंग्स, ओके। ओ वन हु वर्शिप लॉर्ड जगन्नाथ ऑल्सो नोन एज नारायण विद अ डिसीटफुल हार्ट लाइक एन अनचेस्ट वाइफ वर्शिपिंग हर हस्बैंड फॉर्म्स मध्यम तामसिक भक्ति, इंटरमीडिएट डिवोशन सर्विस इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। डिसीटफुल हार्ट, चीटिंग, उल्लू बनाना, किसी को आके चले जाना, खाली अटेंडेंस देके चले जाना, डिसीट, उल्लू बनाना, उल्लू बनाना बोलते हैं जो करते हैं लोग। ये दिस भक्ति इज मध्यम तामसिक भक्ति। ओ मेंटेन ऑफ द अर्थ सींग द डेमिगॉड वर्शिप ऑफ अदर्स, वन हू वर्शिप्स लॉर्ड हरि विद अ फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवियसनेस अंडरस्टूड बी परफॉर्मिंग उत्तम तामसिक भक्ति। कॉम्पिटिशन इज गुड, हेल्दी, एनवियस नहीं कि दो में हो रहा है कंपटीशन, जैसे हमारे यहाँ पे होता है राधा रस बिहारी ग्रुप और राधा श्याम सुंदर ग्रुप, कौन नंबर वन आएगा। एक बार रिजल्ट आ गया दोनों को हैप्पी फील होना चाहिए, दुखी नहीं, वो मेरे आगे चले गए फिर से, नो नेक्स्ट टाइम तो मैं गुरु डू समथिंग। यार प्रभु जी को मैसेज कर रहे हैं, प्रभु जी आई एम वेरी सैड टुडे, आई लॉस्ट। अरे बाबा बट कृष्णा गेन ना, दोनों कॉम्पिटिशन में कृष्णा के पास में आया ना, इस्कॉन उनके पास में आया, शुड बी हैप्पी, व्हाई यू आर सैड इन योर लॉस, मे द बेस्ट पर्सन विन एंड बी हैप्पी आफ्टर दैट। रोना धोना क्या होता है कि मैंने कर पाया, मुझसे नहीं हुआ, और गुस्सा, अरे वो उसने कैसे कर दिया। सो दीज थिंग्स ऑल मैटर इन डिवोशनल सर्विस। मध्यम तामसिक, डिसीटफुल हार्ट विद अ चीटिंग हार्ट और डिसीटफुल, उल्लू बनाने वाला, दैट इज मध्यम। एंड देन कॉम्पिटिव एनवियसनेस इन कॉम्पिटिशन इज उत्तम तामसिक भक्ति। देन इक्विप विद हायर फेथ, वन वर्शिप लॉर्ड हरि प्रेइंग फॉर मनी एंड मटेरियल रिसोर्सेज अंडरस्टूड परफॉर्मिंग अधम रजसिक भक्ति, लो लेवल डिवोशन सर्विस इन द मोड ऑफ पैशन विद मनी एंड मटेरियल रिसोर्सेज। थ्रू हायर डिवोशन वन हू वर्शिप लॉर्ड माधव विद डिजायरिंग मटेरियल फेम, वो है मध्यम रजसिक रसिक भक्ति।
कि मुझे फेम मिले, मुझे लोग इतना पहचाने, मेरा इतने लोग मुझे इतना वर्शिप करें, इतना ही हो, इतने फॉलोअर्स हो, इतना डी हो, यू नो, वो मध्यम रज का ही है, यू नो, जो हर जगह जाए, यू नो, जहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है, हमारा कोई काम है पिक्चर रिव्यू करना, ये ड्यूटी का काम है क्या? ड्यूटी का काम पिक्चर रिव्यू करना होता है, लेकिन हम पिक्चर रिव्यू करेंगे क्यों? क्योंकि लाखों व्यूज मिलेंगे, हिंदुत्व लोग, हिंदुत्व वाले हमें बावा करेंगे, हम ऐसे ट्वीट करेंगे हिंदुत्व के लिए, ये लोग रीट्वीट करेंगे, फेमस होंगे हम, ऐसे रोज हम ट्विटर पे हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करेंगे, एनवीएस बढ़ाएंगे, क्यों? हमें फेमस होना है, हमें राइट विंगर्स के नाम सब आंखों का तारा बनना है, नेम फेम के भागते हैं ना, फिर उनको एक महीने के लिए अज्ञातवास के लिए गोवर्धन जाना पड़ता है। पिक्चर रिव्यू कर रहे हैं यूट्यूब पे, I'm flabbergasted when I see these devotees reviewing movies and लेक्चर में बोलते हैं मूवी देखने देखना चाहिए, मूवी देखने मत जाया करो, मूवी देखना छोड़ दो, लेक्चर में बोलेंगे मूवी मत देखो और खुद मूवी रिव्यू करेंगे। तो ये होता है डिसीटफुलनेस, डबल डबल लेयर भी होते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन, दोनों भक्ति, लोगों को उल्लू बना रहे हो आप नेम फेम के लिए, डिसीट कर लोगों को उल्लू बना के अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो, तो दोनों की भक्ति होगी, मिक्स भी मिक्स होती है, इसको बोलते हैं मिश्र भक्ति, इसमें पैशन भी और इग्नोरेंस दोनों मिक्स हो गए, दोनों की मिश्र भक्ति हो, और भी खराब। सो फेम के लिए जो भक्ति करते हैं उसको बोलते हैं मध्यम राज्य का भक्ति। ओ लॉर्ड ऑफ द अर्थ, वन हु वर्शिप्स लॉर्ड हरि विद द डिजायर, नाउ रूपाद सिंह, यू नो यू नो, ये जो फाइव प्रकार के लिबरेशन है ना, उनके लिए भी है। ओके, सो वन हु वर्शिप लॉर्ड हरि विद द डिजायर टू अटेन लिबरेशन such as Salokya residence residing on the same planet as the Lord is said to be doing Uttama Rajasya ka bhakti. ये desire liberation का जो desire है ना, भगवान के planet में जाकर रहना है हमको, वो भी Rajasya ka bhakti में आता है। वो भी Rajasya ka bhakti में आता है। उत्तम रज का भक्ति, टू हैव द डिजायर टू लिव ऑन द सेम प्लैनेट एज द लॉर्ड वैकुंठ में, इसलिए आचार्य बोलते हैं भक्ति मुक्ति सिद्धि तीनों हमको नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको लिबरेशन भी चाहिए, पांच प्रकार के लिबरेशन होते हैं, वो भी एक डिजायर है, जो डिजायर है मतलब पैशन है, पैशन मतलब जिसका भक्ति है। तो डिवोटी का क्या होता है, डिवोटी क्या अभिलाषा क्या होती है, दास 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 अनुदास, डिवोटी का प्रेयर क्या होता है, कृष्णा यू कैन सेंड मी टू हेल, बट एक ही चीज है, बस मेरे 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 माइंड में आपका नाम रहे। डिवोटी कभी नहीं बोलता है कृष्णा को, कृष्णा सेंड मी टू गोलोक, रियल डिवोटी जो उत्तम डिवोटी होता है, डिवोटी बोलते हैं मध्यम डिवोटी, करंट डिवोटी बोलते हैं कि गोलोक जाना है, गोल ऑफ लाइफ इज गो टू गोलोक, बट एक उत्तम डिवोटी का गोल ऑफ लाइफ क्या होता है, जो उत्तम भक्ति कर रहा है, उसका गोल ऑफ लाइफ होता है केवल सेवा, चाहे मुझे गोलोक कभी जाने को नहीं मिले, नो प्रॉब्लम, अगर मुझे सेवा करने को मिल रही है कृष्णा की, मैं सेवा में खुश हूं। व्हाट इज द लास्ट श्लोका ऑफ शिष्टाष्टकम, What is the last loka of Shishtashtakam? Translation क्या है उसका? By different desires, and we are not able to go back home back to Godhead. Let Krishna tightly embrace him, embrace this maid servant who has fallen at his feet. Let him trample me or break me, my heart. कुछ भी करे,
if he's not visible, no problem. No, he can kick me, he can do anything to me. Aslesa vapadaram pinastu mam adarshanam marma hato hatam karutuva yatha tatha bata vididhato lampato mad prannastu eva mad prannastu sa eva naparah. कुछ भी लंपट डू एनीथिंग यू वांट. मुझे हेल में भेजना हेल में भेजो, मुझे लात से भगाना मारो, एम्ब्रेस करना है करो, जो करना है कृष्णा करो, तुम मेरे प्राणनाथ हो. मेरे प्रति आपके लव कभी कम नहीं होगा यदि आप मुझे गोलोक नहीं भेजोगे तो. यदि आप मुझे प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम दोगे, दुनिया की सारी प्रॉब्लम मुझे दे दोगे ना कृष्णा, तो मेरा लव आपके लिए कम नहीं होगा. I will love you with same intensity, with same love, with same desires, everything. With same seva, I will do. ये एक devotee का conscious होना चाहिए. ये नहीं कि oh Krishna, इतनी problems क्यों आ गई? मुझे बता. नहीं, ये भक्ति नहीं है. मुझे क्यों problem आ रही है सारी Krishna? मैं तो भक्ति कर रहा हूँ. Oh Krishna, दिन रात chant करता हूँ मैं. 64 rounds. Even then I have to be in so much problem, Krishna. Why? Save karo mujhe Krishna. Ye uttam bhakti nahi hai, mode of passion ki bhakti hoti hai. So we have to, you know, walk spiritual life. Bhakti is walking like razor's edge, on razor's edge. Ek bhi galat consciousness, hume golok mein golok ka darwaza band ho gaya hamare liye. Hum nahi ja payenge. परफेक्ट कॉन्शियसनेस होनी चाहिए हमारी कि हमें और कुछ नहीं चाहिए कृष्णा. आप कुछ भी दो हमको, कितने प्रॉब्लम्स दो, कितना ही कठिनाइयां हम हमारे सामने कभी नहीं आओ, कभी पूरे लाइफ में दर्शन मत दो. ओ कृष्णा, आपने प्रभुपाद ने बोला 12 साल चैंट करेंगे तो आप दिखोगे. मेरे तो 16 साल हो गए, मुझे नहीं दिखे. कृष्णा आपके नौकर हैं, वो तो प्रभुपाद की मर्सी. प्रभुपाद ने बोल दिया, You can't demand Krishna to come and show you, show himself. He is lumpat, free man. He is free. कुछ भी कर सकते हैं. हमें ऐसे ऐसा बनना पड़े, ऐसे ये कॉन्शियस हमारे अंदर आनी चाहिए कि चाहे कृष्णा हमारे सामने कभी आए या ना आए, चाहे हमें प्रॉब्लम दे, चाहे हमें लात से दूर भगा दे मार के, चाहे हमें ट्रैम्पल कर दे अपने फीट के नीचे, लेकिन He is my Prannath. Ye consciousness is topmost, uttam bhakti. Understand? Rest, everything else is mixed bhakti. Karma mishra bhakti, gyan mishra bhakti. And you know, they come in these categories. Even the liberation comes in these categories. Not shuddha bhakti. So desire for liberation is also not shuddha bhakti. Ye Shrimad Bhagavatam bata raha hai. Understand? Equated with higher faith, one who worships the Lord expertly only to diminish his sins is said to be performing adhama sattvika bhakti. Krishna to bol diya, sarva dharman pityaja mam ekam sharanam raja am tam sarva papebhyo mokshadi ma sucha. Oh, Krishna ne bola, sharan mein aayenge, hamare sare paap khatam ho jayenge, to hum isliye bhakti kar rahe hain. Sattva bhakti, lekin you know, shuddha bhakti nahi hai. इसमें भी ट्रैप. उत्तम ये अपना सॉरी अधम सत्य का भक्ति है. अधम सत्य का भक्ति मतलब लोएस्ट लेवल ऑफ सत्य का भक्ति. अपने सिंस खत्म करने के लिए भक्ति कर रहे हो. एंड देन इक्वेटेड फेथ, वन परफॉर्म सर्विस बिकॉज ही इज हर्ड फ्रॉम समवेयर दैट सच एंड सच सेवा इज डियर टू लॉर्ड कृष्णा is said to be performing madhyam sattvika bhakti. ये देखो, किसी ने बोला है भक्ति करने से कृष्णा खुश होंगे. What this service is dear to Krishna. ये भक्ति करना भी material world में इसमें आता है. कैसे आता है? क्योंकि इसमें आपने रियलाइज नहीं किया, आप इमिटेट कर रहे हो उसको. जैसे यू नो कोई डिवोटी होता है ना, रोज भगवान को तुलसी चढ़ा रहा है, तो आपके अंदर वो भाव से चढ़ा रहा है भगवान को तुलसी.
उसने ऑलरेडी सब कुछ डिटैच कर लिया, लेकिन आपका अटैचमेंट है, आप खाली उसको इमिटेट कर रहे हो, इमिटेट कर रहे हो। तो आप भी तुलसी प्लग करते हो, चढ़ाते हो, उससे फायदा होगा, भक्ति है वो, सात्विक भक्ति भी है वो, लेकिन वो सेकेंड लेवल की सात्विक भक्ति है, वो प्योर भक्ति नहीं है। इमिटेट करना उसको बोलते हैं, किसी को इमिटेट करना, किसी को देख के नकल में भी अकल चाहिए ना, तो हम नकल कर लेते हैं, लेकिन अकल मतलब नहीं, क्योंकि हम खाली नकल ही कर रहे हैं, हमने रियलाइज नहीं किया उसको, हमारे अंदर वो डिजायर नहीं है, भाव नहीं है हमारे अंदर कि वाकई में ही हम तुलसी ऑफर करें कृष्णा को। क्यों करें? क्योंकि तुलसी बिलोंग्स टू कृष्णा, एंड ये हमारे खुद के प्योरिफिकेशन के लिए, हमारे खुद के एनलाइटमेंट के लिए, हम इमिटेशन के लिए कर रहे हैं उसको, हम किसी डिवोटी को इमिटेट करके कर रहे हैं। हाँ, तो ये भी मध्यम सात्विक का भक्ति। देन ओ किंग, वन हू वर्शिप द लॉर्ड ऑफ लक्ष्मी लाइक अ सर्वेंट विद एन इंटेलिजेंस इक्विप्ड विद स्क्रिप्चुअल रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड परफॉर्म द टॉप मोस्ट एवर डिवोशन इन द मटेरियल मोड्स इज नोन एज उत्तम सात्विक भक्ति। दिस इज वेदी भक्ति। सो इफ यू आर परफॉर्मिंग वेदी भक्ति, देयर आर टू टाइम्स ऑफ भक्ति, साधना भक्ति इज वेदी एंड रागानुगा। सो वेदी साधना भक्ति इज ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ मटेरियल भक्ति। तो अभी हम जो कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में, वेदी भक्ति कर रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि यू हैव टू कम टू द स्पॉन्टेनियस प्लेटफॉर्म, जहां पे आप भगवान को अपने भाव से भक्ति करो, रूल रेगुलेशन से नहीं करो, वेदी भक्ति नहीं। वेदी भक्ति भी भक्ति है, लेकिन मटेरियल मोड्स में। वेदी भक्ति करके आपको गोलोक नहीं मिलेगा, वेदी भक्ति करके आपको गोलोक नहीं मिलेगा। सो दीज आर यू नो ऑल द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ भक्ति, मिश्र भक्ति, जिससे हमें बच के रहना है। अंडरस्टैंड? Now, what is उत्तम भक्ति? ये फाइनल बता रहे हैं SB में। महिमानं हरेर या तु किंचित कृत्वा प्रियो नरः तन मयात् विना संतुष्टा स भक्ति उत्तम उत्तमा। Finally, knowing thoroughly the glories of the Lord Hari, that human who performs anything dear to Lord while being fully satisfied due to being absorbed in spontaneous devotion, spontaneous raga nuga bhakti, spontaneous devotion is said to be performing uttama uttam bhakti, the topmost devotional service devoid of modes or any modes. So only on the raga nuga platform you are performing bhakti, uttam bhakti. Rest every type of bhakti till vedi bhakti, from the lowest bhakti till vedi bhakti also, is only in the category of material modes, material bhakti, not spiritual bhakti. That's why, you know, I tell many times that we are not performing bhakti right now, we are just practicing to perform bhakti. Real bhakti will perform only when we come to on the spontaneous nishtha platform. Anartha nivritti tak hum khali practice hi kar rahe hain bhakti ki. भक्ति तो हम गेम खेला ही नहीं हमने, गेम हमारा जब चालू होगा जब हम निष्ठा में आएंगे, श्रद्धा साधु संघ, श्रद्धा साधु संघ भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, देन रुचि आसक्ति, देन रियल भक्ति स्टार्ट होगी हमारी, उत्तम भक्ति। आसक्ति से माया सत्य मना पार्थ योगी जी मजा आश्रय, वो आसक्ति जब कृष्णा में होगी तो हमारी रियल रागन का भक्ति स्टार्ट होगी। जब तक हम भक्ति नहीं, हम खाली यू नो मटेरियल मोड्स में भक्ति कर रहे हैं, उससे हमें गोलोक नहीं मिलेगा, उससे हमें बैक ऑन बैक टू वर्ल्ड नहीं जाने मिलेगा। सो दिस इज व्हाट इज मिक्स्ड भक्ति, राइट? सो कृष्णा इज सेइंग हियर, अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड प्रोग्रेस इन डिफरेंट स्टेजेस, प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस इन द मटेरियल फील्ड इज ऑफ 81 क्वालिटीज, एंड अबव सच एक्टिविटीज इज द ट्रांसेंडेंटल practice of devotional service. So, sadhana only, because it is raganuga, so it is called sadhana only, which is one and is called sadhana bhakti. When unalloyed practice of sadhana bhakti is matured
into transcendental love for Krishna, Raganuga Bhakti, the eternal loving service of the Lord begins gradually developing into nine progressive stage of loving service under the heading of attachment, love, affection, feeling, affirmity, adherence, following, ecstasy, and intense feeling of separation. Ye hum agle time lenge. The progress in devotional stages. ऐसे भक्ति, real भक्ति, चालू रागों का भक्ति, उसमें क्या stages है? वो stages क्या है? First, attachment, love, attachment भाव, love, affection, feeling, affinity, adherence, following, ecstasy, an intense feeling of separation. ये जो part है, that we will take in the on link next Sunday. Okay. So Hare Krishna everyone. Krishna Kirtana Ganana Karnapa.